गौरव, तुम हमेशा से ऐसे शाय हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने कभी लड़कियों से ऐसे खुल के बात नहीं की। ठीक है, वैसे अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे बोल देना चाहिए, वरना लड़की को कैसे पता चलेगा कि तुम उसे पसंद करते हो? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं दिल की बात बताता हूँ और सामने वाला मना कर दे फिर। गौरव तुम भी ना, दिल ही दिल में किसी को प्यार करना ही तो बेवकूफ़ी है ना, और फिर ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जिसमें इजहार मोहब्बत ना हो। यू नो, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, IIT में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सच में गौरव? थैंक यू सो मच। अच्छा, कहाँ एडमिशन ले रही हो? दिल्ली। दिल्ली, गुड। इसका मतलब मैं तुमसे मिल सकता हूँ? एक्चुअली मैं तुमसे ना कुछ कहना चाह रहा हूँ। आई नो गौरव, आई नो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। कमाल है गौरव, तुम हर वीकेंड पर यहाँ मुझसे मिलने आते हो। सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? दरअसल मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई नो गौरव, आई नो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। तुम भी ना हर छोटी छोटी बात पर बस मुंह फुला के बैठ जाते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे लेके सीरियस नहीं हो। कम ऑन यार, तुम इतनी दूर से क्यों यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक कर रही थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम बात को पलटने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करने की बात कर रही हूँ। उफ़, मोहब्बत की ये लव स्टोरी देखकर आप भी ये कह उठेंगे कि आखिर ये कैसी मोहब्बत है? तमाम लव स्टोरीज की तरह इसकी भी बुनियाद इश्क प्रेम मोहब्बत पे रखी गई, लेकिन एक पल में ये जो मोहब्बत थी, ये जो प्यार था, वो नफरत में बदल गया। आखिर प्यार करने वाला इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? एक प्यार करने वाला उसी को तकलीफ दे जिससे वो मोहब्बत करता है, दिल मानने को यकीन करने को राजी नहीं है। लेकिन हुजूर ऐसा ही हुआ। स्वागत है, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क अ वायलिन लव स्टोरी। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसी उसकी राजधानी हिल क्वीन शिमला। उस रोज भी शिमला में सुबह खूबसूरत थी। गौरव और प्रगति कार ड्राइव कर दिल्ली से शिमला पहुंचे थे। यूं तो गौरव IIT रुड़की में आर्किटेक्ट कोर्स में थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन वो IIT दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रही अपनी दोस्त प्रगति से मिलने के लिए दिल्ली आता रहता था। चूंकि IIT में मिड सेमेस्टर ब्रेक था, इसलिए दोनों ने शिमला घूमने का प्लान बना लिया। दरअसल गौरव और प्रगति एक लंबे अरसे से शिमला घूमने का प्लान बना रहे थे और गौरव के जन्मदिन के बहाने दोनों शिमला घूमने निकल पड़े। दोनों ने शिमला के कार्ट रोड पर बने एक होटल में चेक इन किया था। शिमला में मौसम खुशगवार था। और होटल के कमरे के अंदर दोनों ने गौरव का बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। लिहाजा पहले तो दोनों ने केक काटा और उसके बाद शराब का दौर शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि गौरव परेशान हो गया। प्रगति तो सो गई, लेकिन नींद गौरव की आंखों से कोसों दूर थी। दरअसल शिमला पहुंचते ही न जाने क्यों गौरव और प्रगति के बीच एक दीवार से खड़ी हो गई थी। शायद वो प्रगति से हुई कहा सुनी ही थी जो इस वक्त गौरव के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। बहस के दौरान प्रगति की कही कुछ बातें गौरव को इतनी नागवार गुजरी थी कि ना चाहते हुए भी वो उन्हें अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। गौरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम इससे किस तरह से लोगे। ऐसा क्या कहना चाहती हो?
जिसे सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरी जिंदगी में अकेले लड़के नहीं हो। लुक, आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो? यू आर चीटिंग मी? नो गौरव, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती ना। अब मैं अपने दिल में कोई बोझ भी नहीं रखना चाहती। तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? पागल तो नहीं हो तुम, हैं? मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जाओ। नशा और गुस्सा गौरव के दिलो दिमाग पर छाता जा रहा था। वो ये जानता था जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो बेवफा निकली। उसे इस बात का एहसास था कि प्रगति से उसने मोहब्बत की है, लेकिन उसके अवज में उसे जो कुछ मिला वो धोखा था। इसे वो बखूबी जानता था। अब गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। प्रगति से उसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी और गौरव के दिमाग में भी कहीं कुछ चल रहा था। गौरव और प्रगति दोनों ही आईआईटी के स्टूडेंट थे। गौरव आईआईटी रुड़की में थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, जबकि प्रगति दिल्ली आईआईटी में पढ़ाई पूरी कर रही थी। चूंकि दोनों ने आईआईटी की कोचिंग साथ ही की थी, लिहाजा दोनों एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे। गौरव और प्रगति इसी दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर दोनों में एक बुनियादी फर्क था। प्रगति आजाद ख्याल की थी, जबकि गौरव पुराने तौर तरीकों में यकीन रखने वाला। उसे प्रगति का लड़कों के साथ उठना बैठना और दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। सोच में इस फर्क के बावजूद गौरव और प्रगति के बीच दोस्ती और फिर प्यार का रिश्ता 4 साल तक चला। शायद इसलिए कि दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे और एक दूसरे से उनकी रोज की मुलाकात नहीं थी। पर शिमला पहुंचने पर दोनों के बीच सोच का यह फर्क खुलकर सामने आ चुका था। दरअसल प्रगति अपने दिल में बातें छिपाने में यकीन नहीं रखती थी, और होटल के कमरे में हुई बहस के दौरान प्रगति ने दूसरे लड़कों से अपनी दोस्ती और रिश्तों के बारे में गौरव को खुलकर बता दिया। बस यही बात गौरव के जहन में नश्तर की तरह चुप चुकी थी। वो जिस लड़की को अपना दिल दे बैठा था, वो भला उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती थी? प्रगति के लिए उसमें और दूसरे लड़कों में कोई फर्क नहीं था। वो कभी सिर्फ उसकी नहीं हो सकती थी। ये सवाल गौरव के सर पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे, और तभी उसका दिमाग एक बेहद खतरनाक ख्याल से कुलबुला उठा। प्यार करने वालों ने सच ही कहा है, जब ये प्यार हद से गुजर जाता है तो जुनून में तब्दील हो जाता है, और ये जुनून जब बेकाबू हो जाए तो आंधी में तब्दील हो जाता है। जो कोई इंसान रोक ले मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। गौरव के दिलो दिमाग पर भी उस वक्त जुनून और शैतानियत का वही फितूर सवार था। उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। आखिर इसका नतीजा क्या हुआ बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये राज है ब्रेक के उस पार। गौरव और प्रगति शिमला घूमने आए थे। वहां प्रगति ने कुछ ऐसा सच कह दिया जिससे गौरव पागल हो गया। वो गम और गुस्से में ये सब कुछ भूल गया कि वो प्रगति से कितनी मोहब्बत करता है। वो उसके साथ जिंदगी बिताने के हसीन ख्वाब बन रहा था। बस इसी कश्मकश में गौरव के दिमाग में एक ऐसा खतरनाक प्लान आया। जब इसका खुलासा अगले रोज हुआ तो हर कोई सहम गया। इस वक्त गौरव के सामने पूरी दुनिया घूम रही थी। उसके माँ बाप, भाई बहन, कॉलेज, दोस्त, सब कुछ। क्योंकि वो जो कुछ करने जा रहा था, उसका असर भी उसकी पूरी जिंदगी पर वो देख रहा था। लेकिन गौरव पर उस वक्त एक जुनून सवार था।
वो उस लड़की को सजा देना चाहता था जिसने उसका दिल तोड़ा था। इसी गुस्से में उसने एक फैसला किया कि वो प्रगति को सजा दिए बगैर छोड़ तो नहीं सकता। उसे लगा कि जिस लड़की को उसने दिलोजान से चाहा, उसने उसके साथ बेवफाई की है। गौरव के दिमाग का फितूर अचानक जुनून बनकर उस पर हावी हो जाता है और वही जुनून उसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगता है। कुछ देर में वो इंसान के भेष में एक शैतान बन जाता है। उसने गुस्से में कमरे में रखी बियर की खाली बोतल उठाई और बेड पर सो रही प्रगति के सर पर दे मारी। इसके बाद उसने कमरे में रखे उसी चाकू को उठाया जिससे उसने प्रगति के साथ मिलकर केक काटा था। बस चाकू उठाते ही वो प्रगति की तरफ मुड़ता है और सो रही प्रगति की गर्दन को रेत देता है। जब गौरव का जुनून उतरता है तो उसकी बगल में प्रगति नहीं बल्कि प्रगति की लाश पड़ी थी, उसके प्यार की वो लाश जिसका कातिल भी वही था और उस पर रोने वाला भी वही। गौरव पर कुछ ऐसा गुस्सा सवार हुआ कि उसने प्रगति का कत्ल कर दिया, उस प्रगति का जिसने उसकी जिंदगी के मायने बदल दिए थे। एक बार भी उसका हाथ नहीं कांपा प्रगति का कत्ल करते हुए। आखिर यह कैसा प्यार था जिसमें गौरव आशिक से कातिल। गौरव वर्मा अपने ही हाथों अपने प्यार का कत्ल कर चुका था। होटल के कमरे में प्रगति की लाश उसके सामने बेड पर पड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये शायद उसके गुस्से और जुनून का ही नतीजा था कि उसके सामने उस प्रगति का बेजान जिस्म था जिसे वो हमेशा के लिए अपना बनाने की हसरत अपने दिल में पाले था, और बस उसी हसरत ने उसे कातिल बना दिया। क्योंकि वो प्रगति से इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए पागलपन की हद तक जा सकता था, यानी वो प्रगति को किसी और की होते हुए नहीं देख सकता था। बस अपने इसी अंधे प्यार के पागलपन में उसने प्रगति की हत्या कर दी। गौरव पूरे दिन प्रगति की लाश के साथ बैठा रहा। इस दौरान उसने शराब भी पी, मगर शाम ढलते ढलते उसे होश आया और तब उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ और उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगा। लेकिन फिर उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया और रात होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार रात को सन्नाटा होते ही उसने रूम का दरवाजा बाहर से बंद किया और प्रगति की लाश रूम में ही छोड़कर होटल से फरार हो गया। मगर गौरव का गुनाह बहुत देर तक छिपने वाला नहीं था। अगली सुबह जब देर तक कमरे में कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो होटल के स्टाफ ने डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा खोल लिया, और जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो होटल स्टाफ के होश उड़ गए। कमरे के अंदर प्रगति की लहू लुहान लाश पड़ी थी। आनंद पानन में पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की तो उन्हें ये पता चला कि प्रगति के साथ आया गौरव रात से ही गायब है। पुलिस ने भी गौरव की तलाश शुरू कर दी। रूम लॉक था, उसके बाद हमने दूसरी चाबी से लॉक किया, खोला, उसके बाद देखा खून वगैरह और चाकू वगैरह उसके लाश की टांग के ऊपर, टांग ओनली खाली थी, उसके ऊपर रजाई वगैरह सब कुछ था। होटल के मालिक जब बाकी जो भी वहाँ उनके सदस्य हैं उनकी पूछताछ से पाया गया कि एक लड़का और एक लड़की, रसिक नाम का होटल है ये, वहाँ पर कल सुबह 3 बजे पहुँचे थे एक टैक्सी के द्वारा, दोनों उस कमरे में पाए गए, मगर आज 12 बजे के आसपास जब इन्होंने देखा कि कोई वहाँ से आवाज़ नहीं आई है, ना ही कोई बाहर निकला है, तो उसके बाद इन्होंने देखा तो दरवाज़ा बंद था, लॉक था, की थी उसका मर्डर हो चुका था, और पाया यह गया है कि उसका मर्डर चाकू के साथ और एक टूटी हुई बोतल भी वहाँ मिली है शराब की,
उसका इस्तेमाल भी उसको मारने में हुआ है। उधर गौरव शिमला से टैक्सी लेकर पहले चंडीगढ़ पहुंचा। क्योंकि वो यूपी के गोंडा का रहने वाला था, इसलिए वो हरिद्वार के रास्ते गोंडा फरार होने की फिराक में था। पर हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने भी रेलवे पुलिस की टीमों को गौरव के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया था, लिहाजा गौरव पुलिस से छिपने की कोशिश में ट्रेन के टॉयलेट से गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह प्यार की एक हसीन कहानी का दर्दनाक खात्मा हो गया। आईटीआई के दो होनहार छात्रों में से एक हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई, जबकि दूसरा उसके कत्ल के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे है। दो हजार 2014 में शिमला सेशंस कोर्ट ने गौरव वर्मा को प्रगति टिब्बरवाल की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। तो देखा आपने प्यार की एक अंधी हवस में एक होनहार लड़के को कैसे आशिक से कातिल में तब्दील कर। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप अपने प्यार को पाने के लिए कहीं अंधे ना हो जाए। आज हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए केस के साथ।